हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग, नमस्कार, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, फिर से एक बार आपका आपके अपने चैनल टोटल नॉलेज में बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो कि सीटेट और टेट के प्रश्नों से उठाए गए हैं, उन्हीं पर आधारित भी हैं कुछ। और इनके साथ साथ इन प्रश्नों को हम हल तो करेंगे ही, इनसे जुड़े कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों को हम जानेंगे, जो कुछ चीज़ें होंगी कि आपको समझाना चाहिए, वो मैं बताऊंगा आपको, उन तथ्यों को शेयर भी करूंगा। और आप उन्हें नोट कर लें, नोट कर लेंगे तो सारी कुछ जो सारा कुछ है वो क्लियर हो जाएगा आपके लिए। और ये अभ्यास क्रम है मेरा, 11वां 12वां वीडियो है। अगर आप नहीं देख पाए पीछे के वीडियो से जाएँ टोटल नॉलेज पर, उन्हें देखें आप, वहाँ पर आपको अभ्यास के रूप में भी और डिटेल में भी मिलेंगे, पर्यावरण के, साइकोलॉजी के भी ढेर सारे नोट्स मिलेंगे, हिंदी साहित्य के मिलेंगे, एनसीईआरटी के भी टू द पॉइंट्स नोट्स मिलेंगे आपको। तो जाएँ और देखें। अगर वीडियोस आपको अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि जैसे कोई वीडियो नई अपलोड करते हम तो उसकी जानकारी आपको मिल जाए और आप आसानी से उसे देख पाएँ। चलिए शुरू करते हैं अपना वीडियो और देखते हैं आज के इन महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो अगर महत्वपूर्ण तथ्यों को आप नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज कर दें और पेन और कॉपी लेके बैठ जाएं, ताकि मैं जिन तथ्यों को नोट करवाऊँ आपको, उन्हें नोट कर लें, नोट करके नोट्स बना लें। चलिए शुरू करते हैं और देखते हैं। पहला प्रश्न है, सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? कोरल रीफ में, मरुस्थलों में, शीतोष्ण प्रदेशों में, इनमें से कोई नहीं। सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है? जैव विविधता मतलब बायोडाइवर्सिटी जो है वह सबसे ज़्यादा कहाँ पर पाई जाती है? कोरल रीफ में, मरुस्थलों में, शीतोष्ण प्रदेशों में, इनमें से कोई नहीं। बताते हैं इसका आंसर आपको। इसका आंसर है कोरल रीफ में। कोरल रीफ को हिंदी में कहते हैं प्रवाल भित्ति या प्रवाल शैल। ठीक है, अब ये जान लें कि होता क्या इसके बारे में बता देता हूँ मैं, कुछ चीज़ों को आपको मैं बता दिया। आपको हिंदी में कहते हैं इसे प्रवाल भित्ति या प्रवाल शैल, और ये समुद्र में पाई जाने वाली चट्टाने हैं जिनका निर्माण प्रवालों के द्वारा होता है। प्रवाल जो होते हैं वो छोटे छोटे समुद्री जीव होते हैं नन्हे से, उनके द्वारा कैल्शियम कार्बोनेट छोड़ा जाता है जिनसे इन प्रवाल चट्टानों का निर्माण होता है। और प्रश्न आता है भारत में कहाँ पाए जाते हैं कोरल रीफ? तो भारत में मन्नार की खाड़ी हो गया, अंडमान निकोबार, कक्षका द्वीप हो गया, लक्षद्वीप हो गया, वहाँ पे कोरल रीफ यानी प्रवाल भित्तियाँ मिलती है वहाँ पे, यानी जो प्रवाल शैल है वहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, देखते हैं अगले प्रश्न को। सॉरी, नई जातियों की संख्या में बढ़ोतरी किसके कारण होती है? कायिक विभिन्नता के कारण, अनुवांशिक विभिन्नता के कारण, ए व बी दोनों कारण, इनमें से कोई नहीं। नई जातियों की संख्या में बढ़ोतरी किसके कारण होती है? कायिक विभिन्नता, अनुवांशिक विभिन्नता, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताते हैं इसका आंसर आपको। इसका आंसर अनुवांशिक विभिन्नता के कारण नई जातियों की संख्या में बढ़ोतरी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। समान सदस्यों का समूह जो प्रजनन करके उर्वर संतान पैदा करता है कहलाता है? वैरायटी, वंश, जाति, इनमें से कोई नहीं। समान सदस्यों का समूह जो प्रजनन करके उर्वर संतान पैदा करता है कहलाता है? वैरायटी, वंश, जाति, इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर आपको, इसका आंसर है जाति। ठीक है, समान सदस्यों का समूह जो प्रजनन करके उर्वर संतान पैदा करता है वो कहलाता है जाति। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। स्कोप यानी SCOP की स्थापना कब की गई? 1973, 1958, 1963 या 1969? स्कोप की स्थापना कब की गई? 1973, 1958, 1963 या 1969? चलिए बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर है 1969। ठीक है, 1969 में स्कोप का फुल फॉर्म होता है, आप नोट कर लें, साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वायरमेंट। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूँ, साइंटिफिक कमिटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द इन्वायरमेंट, जिसकी स्थापना हुई थी 1969 में। और स्थापना की गई, पूछा जाता है कि स्थापना किसके द्वारा किया गया?
आईसीएसयू के दौरान, आईसीएसयू का मतलब है इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस, ठीक है, इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस के द्वारा साइंटिफिक कमेटी ऑन प्रॉब्लम्स ऑफ द एनवायरनमेंट की स्थापना की गई, जिसका सचिवालय है नीदरलैंड में, ठीक है, आपको याद रखना है इसका सचिवालय है नीदरलैंड में, और जो इसके लीडर हैं वो हैं जॉन सेमसेट। तीन चीज़ें आपको याद रखनी है कि स्कोप की स्थापना कब हुई, तो 1969 में हुई, इसका सचिवालय कहाँ है, तो नीदरलैंड में है, और स्थापना किसके द्वारा की गई, तो आईसीएसयू के द्वारा, यानी इंटरनेशनल काउंसिल फॉर साइंस के द्वारा की गई, और इसका भी हेड कौन है, तो है जॉन सैमसेट जो कि नॉर्वे के हैं, ठीक है, चीज़ें हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के चरण है 5, 2, 3, 4, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन के चरण है, जो नेचुरल डिजास्टर है वो प्रबंधन के चरण कितने हैं, 5, 2, 3 या 4। चलिए बताते हैं इसका आंसर, इसका आंसर है 3, ठीक है, इन चरणों को हम आगे के प्रश्न में देखेंगे, आपसे पूछेंगे, बनाया हमने एक प्रश्न, तो आपको याद रखना है कि प्राकृतिक आपदा कितने चरण है, तो 3 है, ये आपको याद रखना है। अगला देखते हैं, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का चरण है आपदाओं की रोकथाम के उपाय करना, आपदाओं की भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना, आपदा आने के उपरांत तुरंत राहत सामग्री पहुंचाना, उपयुक्त दिशा भी। फिर से देखें प्रश्न को आप, प्राकृतिक आपदा प्रबंधन का चरण है आपदाओं की रोकथाम के उपाय करना, आपदाओं की भविष्यवाणी करना या पूर्वानुमान लगाना, आपदा आने के उपरांत तुरंत राहत सामग्री पहुंचाना, या ये सभी उपयुक्त सभी। चलिए बताते हैं आंसर आपको, आपको पता है कि इसके 3 चरण हैं, और यही तीनों चरण हैं जिस जो हमने आपसे पिछले प्रश्न में पूछा था, तो आपको याद रखना है चरण कितने हैं, 3 हैं, तो ये यहाँ पे आंसर आपका क्या हुआ, उपयुक्त सभी हुआ, ठीक है। बढ़ते अगले प्रश्न की तरफ, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली, टाइफून, हरिकेन या ये सभी, उष्णकटिबंधीय चक्रवात है विली विली, टाइफून, हरिकेन या ये सभी। बताते हैं इसका आंसर आपको, इसका आंसर है ये सभी, ठीक है, ये सारे के सारे सारे जो हैं उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही हैं, लेकिन इन्हें अलग अलग जगहों पे अलग अलग नाम दिए, जैसे विली विली जो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं, आप नोट कर लें, पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में विली विली को, सॉरी उष्णकटिबंधीय चक्रवात को विली विली कहते हैं, अटलांटिक महासागर में इसे हरिकेन कहते हैं, प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में इसे टाइफून कहते हैं, और भारत में इसे चक्रवात कहते हैं, ठीक है, भारत में यानी कहने का मतलब हिंद महासागर का जो एरिया है वहाँ पे इसे चक्रवात कहते हैं, पूछा जाए भारत में क्या कहते हैं तो चक्रवात कहते हैं, या हिंद महासागर में पूछा जाए तो आपको चक्रवात कहते हैं। फिर से रिपीट कर लेता हूँ, विली विली जो कहा जाता है वो कहा जाता है पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में, हरिकेन कहा जाता है अटलांटिक महासागर में, प्रशांत और दक्षिण चीन सागर में से टाइफून कहा जाता है, और सारे के सारे क्या है उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही हैं। आपको याद है भारत में सामान्यतः चक्रवात कहाँ से आता है, तो आपको याद रखना बंगाल की खाड़ी से ही भारत में सामान्यतः चक्रवात उठते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं प्रश्न की तरफ, पार्थिव आपदा है चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी, ये सभी, पार्थिव आपदा है चक्रवात, भूकंप, ज्वालामुखी या ये सभी। बताते हैं इसका आंसर आपको, इसका आंसर है ये सभी। पार्थिव आपदा तात्पर्य है कि पृथ्वी के बाहर जो भी आपदाएं होती हैं, कहते हैं इसको जो परिभाषा कि पृथ्वी के बाहर धारित आपदा को पार्थिव आपदा कहते हैं, यानी पृथ्वी के बाहर जो भी आपदाएं घटित होती हैं उन्हें हम पार्थिव आपदा कहते हैं। वो बताया चक्रवात भी लोगों की जान लेता है, भूकंप के द्वारा भी होता है, ज्वालामुखी के द्वारा, यानी सारी की सारी क्या है पार्थिव आपदा है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म है तांबा, टीन, पीतल, निकिल या निकेल, सोना, चांदी, पारा, सीसा। जल को प्रदूषित करने वाला धातु युग्म है तांबा, तांबा टीन, पीतल, निकेल या निकिल, सोना, चांदी, पारा, सीसा। चलो जाते हैं इसका आंसर, इसका आंसर है पारा सीसा। वैसे तो कई धातु हैं जो कुछ मनुष्य के लिए घातक होते हैं, कुछ पशुओं के लिए होते हैं, कुछ पेड़ पौधे के लिए होते हैं, लेकिन आपको 3 धातु का नाम याद रखना है जो सबके लिए हानिकारक होते हैं, एक हो गया पारा सीसा,
और तीसरा हो गया कैडमियम। ठीक है, तीन चीज़ें हैं अगर पूछी जाए, पारासिस और कैडमियम तीनों, चाहे वो मनुष्य हो, पेड़ पौधे हों या पशु हों, सबके लिए ये हानिकारक होते हैं। बाकी मरकरी हो गया, कैडमियम हो गया, सेलियम हो गया, आर्सेनिक हो गया, क्रोमियम हो गया, कॉपर हो गया, मैगनीज हो गया, लेड, आयरन, जिंक, ये किसी के लिए घातक होते हैं तो किसी के लिए नहीं होते हैं। जैसे कि लेड, आयरन, जिंक हो गए, सब कॉपर हो गए, पेड़ पौधों को चाहिए होते हैं, कोबाल्ट हो गया। तो आपको तीन याद रखने के, और पारा, सीसा और कोबाल्ट, ये तीनों युग्म क्या हैं, ये पेड़ पौधे हों या मनुष्य हों, पशु पक्षी हों, ये सबके लिए हानिकारक हैं। अगला है, महानगरों में श्वास संबंधी रोगों की अधिकता का कारण है जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। महानगरों में श्वास संबंधी रोगों की अधिकता के कारण है बताना, का कारण है बताना आपको, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण या मृदा प्रदूषण। चलिए बताते हैं इसका आंसर आपको, इसका आंसर है वायु प्रदूषण। ठीक है, आपको पता है कि वायु प्रदूषण, जैसे बढ़ती हुई जनसंख्या हो गई, बढ़ते हुए उद्योग हो गए, संचार के साधन जैसे गाड़ी वगैरह ज़्यादा यूज़ करना, वनों की कटाई होना, परमाणु प्रदूषण होना, ये सारी की सारी चीज़ें कहीं ना कहीं वायु को प्रदूषित करते हैं, जिसका प्रभाव लोगों के ऊपर पड़ता है, चाहे महानगर में रहें या कि शहर में रहें या गांव में रहें। लेकिन महानगर में जो सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है वो वायु के द्वारा ही होता है, क्योंकि आसपास कल कारखाने लगे होते हैं, पेड़ों का अभाव होता है और ढेर सारी यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हैं। तो अगर सबसे ज़्यादा श्वास संबंधी रोग किस कहाँ से होते हैं महानगर में, तो आपको याद रखना वायु प्रदूषण के द्वारा। प्रश्न देखते हैं, बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई, 1973, 1975, 1980, 1985। बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई, 1973, 1975, 1980 या 1985। चलो जाते हैं इसका आंसर, इसका आंसर है 1973। ठीक है, 1969 में अंतर्राष्ट्रीय एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के द्वारा एक मीटिंग हुई, वहाँ पे बाघों को संपूर्ण सुरक्षा देने के लिए और क्रियान्वयन करने के लिए एक मीटिंग आयोजित की गई थी, वो की गई थी 1969 में। उसके उपरांत भारत में 7 अप्रैल 1973 को, आपको याद रखना डेट पूछा जाए, 7 अप्रैल 1973 से बाघ परियोजना का शुभारम्भ किया गया। उस समय जो थे बाघ के लिए अभयारण्य थे 9 और बढ़ के हो गए हैं 32 तक। पूछा जाए कि अभयारण्यों की संख्या कितनी हो गई है जिसमें बाघ परियोजना सम्मिलित हैं, तो वह है 32। उस समय थे 9, शुरू कब से हुआ, तो आपको याद रखना है 7 अप्रैल 1973 से शुरू कब किया गया, क्यों क्यों किया गया। तो 1969 में बताया मैंने कि अंतर्राष्ट्रीय एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ की एक मीटिंग हुई, जहाँ पे बाघों को संपूर्ण सुरक्षा देने की बात की गई, उसके उपरांत इसे शुरू किया गया। देखते हैं अगला प्रश्न, अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षणों को कहते हैं, स्टोन कैंसर, अपरदन, अपक्षय या अनाच्छादन। अम्लीय जल द्वारा इमारतों के क्षणों को कहते हैं, स्टोन कैंसर, अपरदन, अपक्षय या अनाच्छादन। बताते हैं आपको आंसर, इसका आंसर है स्टोन कैंसर। ठीक है, अम्ल जल द्वारा होता है और इमारतों का क्षण होता है, उसको कहते हैं स्टोन कैंसर। आपने सामान्यतः सुना होगा अम्लीय वर्षा के बारे में, तो मैं बताता हूँ अम्लीय वर्षा क्या होता है, कि पृथ्वी के वायुमंडल में जब SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड जल के साथ मिल जाता है, और मिलकर क्या करता है वो नाइट्रिक अम्ल और गंधक का तेजाब बना देता है। ठीक है, वही जब बरसात होती है तो क्या करता है, धीरे धीरे कलर खराब होने लगता है, उनका क्षरण होने लगता है। और ये निकलता कैसे, तो SO2 हो गया या NO2 जो हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड हो गया, ये कारखानों की चिमनियाँ हो गया, बसों और स्वचालित वाहनों को सजित जो धुएं हो गए, वो निकल के जब वायुमंडल मिल जाते हैं तो वही आगे चल के अम्लीय वर्षा का वर्षा कराते हैं। ठीक है, ये सारे मिल के पानी के साथ मिल जाते हैं और जब बरसात होती है तो वो नीचे गिरते हैं, जिनके कारण ये वर्षा होती है। अगला है, आपदा का प्रमुख कारण है जागरूकता और सूचना का अभाव, तीव्र शहरीकरण, पर्यावरण ह्रास या उपयुक्त सभी। आपदा का प्रमुख कारण है जागरूकता और सूचना का अभाव, तीव्र शहरीकरण, पर्यावरणात्मक ह्रास या उपयुक्त सभी। चलते हैं इसका आंसर आपको,
इसका आंसर उपयुक्त सभी। अगर जागरूकता फैलाया जाए, लोगों के अंदर सूचना पहुंचा दी जाए, तो आपदाओं से लोगों को बचाया जा सकता है। अगर तीव्र शहरीकरण ना हो, शहरों में क्या धीरे धीरे बड़ी बड़ी इमारतें बनती चली जा रही हैं, लोगों का घनत्व बढ़ता चला जाता है, तो आपदा बढ़ने के ज़्यादा चांस होते हैं। और पर्यावरण जितना ह्रास होगा, उतनी ही चीज़ें सारी की सारी अनबैलेंस्ड होंगी। यानी इसका आंसर है उपयुक्त सभी। अगला सिस्मोलॉजी है वनस्पति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, भूकंप विज्ञान या समुद्र विज्ञान। सिस्मोलॉजी है वनस्पति विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान या भूकंप विज्ञान। चलिए बताते हैं इसका आंसर आपको। इसका आंसर है भूकंप विज्ञान। ठीक है, सिस्मोलॉजी है भूकंप विज्ञान है। और आपको पता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस जो मनाया जाता है, वो 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, इससे जुड़ा जुड़ा प्रश्न आता है कि अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाया जाता है, तो मनाया जाता है 13 अक्टूबर को। और आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया, तो आपको याद रखना है 2005 में। ठीक है, फिर से मैं रिपीट करता हूँ कि आपदा प्रबंधन अधिनियम कब बनाया गया, 2005 में। और अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब मनाते हैं, तो मनाते हैं वो 13 अक्टूबर को। और सिस्मोलॉजी के लिए जो एक इंस्टीट्यूट है, द नेशनल नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर सिस्मोलॉजी, वो है दिल्ली में, जहाँ पे सिस्मोलॉजी के भूकंप विज्ञान की पढ़ाई लिखाई होती है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहा जाता है, टोर्नेडो, विली विली, टाइफून या हरिकेन। ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को कहा जाता है। ऑलरेडी मैं चर्चा कर चुका हूँ आपसे, तो आपको याद होगा, तो आप बता सकते हैं आसानी से। टोर्नेडो, विली विली, टाइफून या हरिकेन। चलिए बताते हैं आंसर, आपको याद आ गया होगा। इसका आंसर है विली विली। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को क्या कहते हैं, विली विली कहते हैं। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को तो कहते हैं, ये भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं। तो बताना आपको विली विली, टाइफून, हरिकेन या टोर्नेडो। संयुक्त राज्य अमेरिका में उष्णकटिबंधीय चक्रवात को कहते हैं विली विली, टाइफून, हरिकेन या टोर्नेडो। चलिए बताते हैं इसका आंसर आपको। इसका आंसर है टोर्नेडो। ठीक है, इस पर भी हम चर्चा कर चुके हैं ऑलरेडी आपसे। अगला प्रश्न है, मथुरा के तेल शोधन कारखाने से किसे खतरा उत्पन्न हो गया है, इंडिया गेट, लाल किला, संसद को या ताजमहल को। मथुरा के तेल शोधन कारखाने से खतरा उत्पन्न हो गया, इंडिया गेट को, लाल किले को, संसद को या ताजमहल को। बताते हैं आपको, इसका आंसर है ताजमहल को। ठीक है, पीछे से प्रश्न आया है कि आया था 2 साल पहले, कि ताजमहल के अलावा और किसको किसको खतरा है, तो आपको याद रखना सिकंदरा और भरतपुर पक्षी विहार। ठीक है, तो ताजमहल तो जो हर जगह मिल जाता है आपको, लेकिन ताजमहल के अलावा सिकंदरा और भरतपुर पक्षी विहार, इन दोनों को मथुरा तेल शोधन कारखाने से खतरा है। और एक प्रश्न और आया हुआ कि ये कहाँ पे है, किस रोड, रेल, ये क्या बोलते हैं, रोड पे बसा हुआ है, तो आपको याद रखना NH2 पे, किस NH पे है ये, तो NH2 पे बसा हुआ है। और पहले भारत की सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना यही था, लेकिन अब सबसे बड़ा जो लग गया है जामनगर गुजरात में। और वर्तमान में कितने तेल शोधन कारखाने हैं प्रमुख, तो वो है 23। ये चीज़ें आपको याद रखनी है कि मथुरा तेल शोधन कारखाना कहाँ पे है, तो मथुरा में है, दिल्ली आगरा हाईवे पे, जो कि NH2 कहलाता है, उस पे है। इससे खतरा किसको किसको है, ताजमहल, सिकंदरा और भरतपुर पक्षी विहार को। भारत में कितने तेल शोधन कारखाने हैं मुख्यतः, वो है 23। सबसे बड़ा था मथुरा, लेकिन अब बन गया है जामनगर में, जो कि गुजरात में है। अगला प्रश्न देखते हैं, जल में फ्लोराइड की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 ppm, 1 ppm, 3 ppm या 5 ppm। जल में फ्लोराइड की मात्रा किससे अधिक नहीं होनी चाहिए, 10 ppm, 1 ppm, 3 ppm या 5 ppm। पीपीएम का मतलब है पार्ट्स पर मिलियन। ठीक है, पीपीएम का फुल फॉर्म होता है पार्ट्स पर मिलियन, तो किससे अधिक नहीं होना चाहिए आपको बताना है। चलो बताते हैं इसका आंसर। इसका आंसर 1 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, एक प्रश्न हमने और बनाया, तो वहाँ बताएंगे इससे क्या क्या होती है। तो पीपीएम, जान लीजिए पीपीएम होता है, बताया मैंने आपको जैसा कि पार्ट्स पर मिलियन होता है,
और फ्लाइट से जो रोग होते हैं उसे हम कहते हैं फ्लोरोसिस। ठीक है, जब मानव के शरीर में ये घुल के पहुंच जाता है तो उस क्रिया को कहते हैं फ्लोरोसिस। ठीक है, तो ये 1 PPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से उत्पन्न बीमारी, हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, शारीरिक अंगों में विकृति, खून में कमी, या ये सभी फ्लोराइड युक्त जल के सेवन से उत्पन्न बीमारी है। हड्डियों का टेढ़ा मेढ़ा होना, शारीरिक अंगों में विकृति, खून में कमी, या ये सभी। बताते हैं इसका आंसर आपको, इसका आंसर है ये सभी। ठीक है, देख लिया आपको कितना इसका फ्लोराइड नहीं होना चाहिए, तो 10 PPM, सॉरी 1 PPM से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या क्या होता है, तो हड्डियाँ टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, शरीर के अंगों में विकृति आ जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, भारत में सर्वाधिक फ्लोराइड की मात्रा कहाँ के भूजल में पाई जाती है, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, या उत्तर प्रदेश। सबसे ज़्यादा कहाँ के भूजल में फ्लोराइड की मात्रा है बतानी है आपको, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, या उत्तर प्रदेश। बताते हैं इसका आंसर आपको, इसका आंसर है राजस्थान। राजस्थान में कहीं कहीं तो 31 PPM तक इसकी मात्रा पहुंच गई है। ठीक है, सबसे ज़्यादा फ्लोराइड पूछा है आपसे किस राज्य में है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा कहाँ के भूजल में पाई जाती है, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। भारत में सर्वाधिक आर्सेनिक की मात्रा कहाँ के भूजल में पाई जाती है, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पश्चिम बंगाल। बताते हैं इसका आंसर आपको, इसका आंसर है पश्चिम बंगाल। ठीक है, जैसा कि आपने देखा फ्लोराइड से क्या होता है, हमारे दांतों में कैविटी हो जाती है, ब्लड की कमी हो जाती है, वैसे ही आर्सेनिक क्या करता है, आर्सेनिक हमारे हाथों द्वारा अवशोषित कर लेता है, जिसका प्रभाव एंजाइम में पड़ता है। ठीक है, एंजाइम हमारी अनबैलेंस हो जाती है। और पूछा जाता है इसकी मात्रा किससे कम हो जाए होनी चाहिए, तो 0.05 मिलीग्राम से इसकी मात्रा कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर उससे ज़्यादा मात्रा पानी में है तो वो आपके लिए हानिकारक है। और सबसे ज़्यादा आर्सेनिक की मात्रा कहाँ के भूजल में है, पश्चिम बंगाल के। दोस्तों ये था हमारा अंतिम प्रश्न, कुछ और प्रश्न हम आपके साथ कल शेयर करेंगे। तो ऐसे ही देखते रहें और अपना प्यार बनाए रहें दोस्तों। अंत तक देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।